हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। कल का आपका वीडियो नहीं आया था, तो आज की वीडियो में कल और आज दोनों का करंट अफेयर्स हमारा इसमें अवेलेबल है, तो हम इसको शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर। इसका आंसर जानेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी इसकी PDF, ठीक है, तो वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेते हैं, कर ले सकते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिए @AmanTrivedi, II आप एंड में लगाएंगे, AMANTRIVEDII। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा और वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस होता है, जयंती होती है, और उसी तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और उसके पर्याप्त कारण हैं मनाने के, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की अलग अलग रियासतों को जोड़ के पूरे देश को यूनाइट किया और पूरे देश को एक देश बनाया था। तो इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2014 से इसे स्टार्ट किया गया है और यह वर्ष उस महान नेता की 146वीं वर्षगांठ है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और उनका जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए भारत की कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के समय उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में भी कड़ी मेहनत की। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख नेता या फिर एक नेता। भारत को एकीकृत, एक भारत और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारत को एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया था। उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया था। चलिए, ठीक है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड सिटीज डे भी मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस भी मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों को पूरा करने, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने में देश के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस 2021 का वैश्विक विषय जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना है। यह स्वीकार करते हुए कि एकीकृत जलवायु लचीलापन नीतियां और कार्य योजनाएं शहरी आबादी के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों को बहुत कम कर देंगे। इसके अलावा कल हमारी वर्ल्ड 1 नवंबर था, और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, वीगन डे। एक्चुअली वीगन के लिए कोई हिंदी में शब्द नहीं है, तो वीगन को ही हम शाकाहार मान लेते हैं। हालांकि शाकाहार और वीगनिज्म अलग अलग है, ठीक है, मैं बता देता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। फिलहाल आप अभी ये बता दी, विश्व शाकाहार दिवस वीगन याद रखिएगा, ठीक है। शाकाहार दिवस अलग है, वीगन अलग है। तो वीगन दिवस हर साल 1 नवंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, गैर मानव जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों को बताने के लिए किया जाता है। वीगन दिवस सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। वीगन एक जीवन शैली है जिसके प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य जीवन के लिए चुनता है। एक अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए शाकाहारी भोजन के अपने फायदे, कई स्वास्थ्य लाभ हैं शाकाहारी आहार प्रदान करना, इसलिए विश्व वर्ल्ड वीगन डे मनाता है। हालांकि वीगनिज्म में और वेजिटेरियनिज्म में डिफरेंस है। वेजिटेरियन लाइफ अलग है, वीगनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि वीगनिज्म जो है वो ये कहता है कि आप फिर मतलब ना ही जानवरों को खाएं कंज्यूम करेंगे और ना ही मिल्क प्रोडक्ट्स भी, मतलब जानवरों से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप जैसे मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन हूँ बट मैं वीगन नहीं हूँ, मैं मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ और उन्हें कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। लेकिन वीगनिज्म कहता है कि आप फिर मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं कंज्यूम कर सकते जो कि जानवरों से आ रहे हैं। फिर आप प्लांट बेस्ड मीट खाइए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन चीज लीजिए, या प्लांट बेस्ड आप जो है मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे, तो वो एक वीगनिज्म का लाइफस्टाइल है, ठीक है।
तो बाकी डेज मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हुए हैं, आप उन्हें भी रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। इसके अलावा असगर अफगान ने अपने पेशेवर खेल से संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स या टेनिस? तो असगर अफगान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, नाम से ही क्लियर है, तो आप नाम से याद रख सकते हो। असगर अफगान अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, इन्होंने T20 इंटरनेशनल के दौरान ही इन्होंने संन्यास लिया है। असगर अफगान ने टोटल 6 टेस्ट प्ले मैच खेले हैं, 114 एक दिवसीय मैच और 74 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में क्रमशः 440, 2424 और 1351 रन बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा कर दी है और रविवार को ICC T20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला है इन्होंने। ठीक है, ये पुरानी न्यूज़ से मैंने लिया है इसलिए पुराना है। तो नामीबिया के खिलाफ खेला भी है और जीता भी है। तो असगर अफगान ने अफगानिस्तान के लिए 6 टेस्ट और ये सब खेला है। 33 वर्षीय अफगानिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान थे, जिन्होंने 2018 में भारत के खिलाफ बेंगलुरु के प्रारूप में पदार्पण किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई है? इनमें से एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला विश्व की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो वाई माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट के बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक का रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है, एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग $2.46 ट्रिलियन का था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग $2.49 ट्रिलियन तक पहुँच गया था। एप्पल ने एक साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाकर रखा था। माइक्रोसॉफ्ट जून में $2 ट्रिलियन बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी अमेरिकी सार्वजनिक फर्म बन गई, जो इस उम्मीद से प्रेरित थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में इसका प्रभुत्व कोरोना वायरस के बाद भविष्य में और अधिक विस्तारित होगा। इस साल अपने स्टॉक ने लंबी अवधि की कमाई और राजस्व वृद्धि के साथ साथ मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में विस्तारपूर्वक पूर्वानुमानों पर एप्पल और Amazon.com इंक को पीछे छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट 49% से अधिक, एप्पल लगभग 13% और Amazon 3% से अधिक ऊपर है। बेसिकली ये जो आपको कीमत दिखती है इस तरह, ये आपके शेयर प्राइस से आंकते हैं लोग। शेयर जिसका चढ़ गया तो फिर वो वैल्यूएबल हो गई, जिसका गिर गया वो भी लेस वैल्यूएबल हो गई। ठीक है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट इज़ रियली कमिंग बैक और बहुत ही बढ़िया तरीके से बैक कर रहे आ रहे हैं वापस, मतलब फॉर्म में, क्योंकि एक टाइम अभी ऐसा आ गया था जब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कम हो रही थी। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबासना, जो कि UPSC के एस्पायरेंट्स का ड्रीम होम होता है, में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुविधा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया गया। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्देश्य भारत और विदेश के सिविल सेवकों की भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखना है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं के पिता द्वारा कल्पना की गई थी, यानी कि फादर्स ऑफ अखिल भारतीय इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज। केंद्र का उद्देश्य सिविल सेवकों को निरंतर अध्ययन और सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशाल संसाधन केंद्र के रूप में उभरना है, ताकि वे अपने सांस्कृतिक, लोकाचार, मूल्यों और जुड़ों से जुड़े रहें। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन पास कर दिया है इंडिया के NICDP के लिए। NICDP क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का, लगभग 1875 करोड़ लोन का इंडिया के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को दिया है। दिस इज द फर्स्ट सब प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्रामेटिक US फॉर $500 मिलियन लोन्स टू डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्पैनिंग 17 स्टेट्स। तो 17 राज्यों में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल नोड्स दैट आर सपोर्टेड बाई एफिशियंट अर्बन एग्लोमेरेशंस एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल गेटवे लाइक पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम है आपका। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसके प्रेसिडेंट हैं मैसासुगु असाकावा। ठीक है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 में शासन प्रदर्शन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में गवर्नेंस प्रोग्राम में परफॉर्मेंस में किसका स्थान कुछ सबसे टॉप पे रहा है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, दिल्ली। तो जवाब है इसका केरला।
केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन और गवर्नर है आरएन रवि। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरला ने टॉप किया है गवर्नेंस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्टेड बाय पब्लिक अफेयर्स सेंटर, अ बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक, द टॉप थ्री स्लॉट्स हैव बीन टेकन बाय केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। अमंग 18 लार्ज स्टेट्स पीआई 2021 हाईलाइट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स क्वालिटी गवर्नेंस एंड स्पेशली द स्टेट्स गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ओवर द कर्व ऑफ कोविड 19। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो कि पब्लिश की जाती है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु का बेंगलुरु बेस्ड, उसने केरला को सबसे टॉप पे रखा है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना रहा है। और ये रैंकिंग बेसिकली उन्होंने कोविड को कर्व करने के लिए को कंट्रोल करने के लिए जो प्लान किए गए उसके आधार पर दी है। तो केरला टॉप पे है, तमिलनाडु फिर तेलंगाना है, ठीक है। टॉप अमंग स्मॉल स्टेट्स जो छोटे राज्य हैं उसमें सबसे टॉप पे सिक्किम है, फिर मेघालय और फिर मिजोरम। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे पहले पौंडुचेरी है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर चंडीगढ़ है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रैंक्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द थ्री पिलर्स इक्विटी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद फाइव थीम्स 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड 43 इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए इसके अलावा IRCTC ने और ट्रूकॉलर ने पार्टनर किया है फ्रॉड को कम करने के लिए। तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रूकॉलर इंडिया के साथ में भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना है। इस साझेदारी के तहत एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन 139 को ट्रूकॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशंस द्वारा सत्यापित किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को आश्वस्त करना है कि बुकिंग विवरण और PNR स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार केवल IRCTC द्वारा वितरित किए जाते हैं, ठीक है। IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। IRCTC के CMD हैं रजनी हसीजा। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि IRCTC अपने रेवेन्यू को हमारे साथ में शेयर करे, जो कि अभी नहीं करती है। तो उसके बाद IRCTC का शेयर जो 1400 पर रैली कर रहा था वो आके सीधे 800 पर रुका था, तो 25% की गिरावट देखी गई थी IRCTC के शेयर में। तो इट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर IRCTC। इसके अलावा ईशा अंबानी को स्मिथसोनियंस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ईशा अंबानी को स्मिथसोनियन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य इसमें बोर्ड मेंबर हैं। ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति 4 साल के लिए है। ईशा अंबानी के अलावा कंसल्टिंग फर्म ब्रेहम ग्लोबल वेंचर्स LLC के संस्थापक और CEO कैरोलिन ब्रेहम और लेक्चरर पीटर किमेलमैन भी बोर्ड में शामिल हुए। एंटोनी वेन एक्टमेल संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एशियाई कला के संग्रहालय संग्रह में 45,000 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं जो नवपाषाण काल से लेकर वर्तमान तक की हैं। तो एक तरीका का म्यूजियम है जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में इन्हें नियुक्त किया गया है, स्मिथसोनियन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। इसके अलावा चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसे IMS सर्टिफिकेट मिल गया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट मिलता है वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस के लिए, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए, यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है। जो सबसे पहली ट्रेन थी वो थी ये IMS सर्टिफिकेट मिलने वाली, वो थी हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री थे डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, इनकी मृत्यु हो गई। पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर एक एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट थे एंड फाउंडिंग डायरेक्टर थे रीजनल कैंसर सेंटर के, उनकी मृत्यु हो गई। ही हैज़ सर्वड एज अ मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप दैट प्रिपेयर द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लान फॉर इंडिया, जिन्होंने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लान ऑफ द इंडिया बनाया था उसके एक मेंबर थे। ही हैज ऑल्सो सर्वड एन एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल ऑन कैंसर ऑफ वर्ल्ड WHO के कैंसर एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल में भी सर्व किया है। द गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री फॉर मेडिसिन इन 2001। इसके अलावा टाइम्स की हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग आई है 2021 की, जिसमें ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 पे हार्वर्ड है, 2nd पे मैसाचुसेट्स है, 3rd पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है और 10th पे है आपकी सिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो 91 से 100 में IISc बैंगलोर है, 126 से 50 में IIT बैंगलोर है,
और इसके अलावा 146 76 से 200 के बीच में आईआईटी दिल्ली है, और 176 से 200 के बीच में आईआईटी मद्रास भी है। ठीक है, चलिए। सो टॉप 100 में सिर्फ आईआईएससी बैंगलोर है। हिरोशिमा के न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक सर्वाइवर थे सुनाओ सुबी, उनकी मृत्यु हो गई है। तो हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ सुबोई का निधन हो गया है। परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख जापानी प्रचारक जो दुनिया के पहले परमाणु बम हमले से बच गए थे, उनकी 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे और सुबोई ने अपना जीवन परमाणु हथियारों के उन्मूलन के अभियान के लिए समर्पित किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में हिरोशिमा की ऐतिहासिक यात्रा पर बराक ओबामा से मुलाकात की थी, जब बराक ओबामा जापान गए थे। उत्तराखंड गेट्स कंट्रीज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन। उत्तराखंड ने को दुनिया को देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन मिला है। ठीक है, तो उत्तराखंड गेट्स इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड द बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ इंडिया इन लाल कुआं ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। एस्टैब्लिश्ड इन एन एरिया ऑफ ओवर 3 एकड़, 3 एकड़ में फैला है। करीब 140 से ज्यादा एरोमेटिक स्पीसीज हैं। प्रोजेक्ट वॉज एरोमेटिक मतलब खुशबू से रिलेटेड। तो उत्तराखंड 2000 में बना था और इसके गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और कैपिटल है आपकी देहरादून। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अशोक भूषण को NCLAT का अध्यक्ष चुना है। केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के लिए जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया है। वो केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। NCLAT का गठन सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के लिए किया गया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को अर्ध न्यायिक निकाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में 5 साल के लिए फिर 67 वर्ष की जो भी आयु पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने डेयरी शंकर स्कीम लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्टर और हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की। डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपये है। योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लागू की जाएगी NCDC। यह योजना देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने, किसान की आय को दोगुना करने के साथ साथ सहयोग से समृद्धि की ओर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मौजूदा प्रयासों का पूरक होगा। योजना के तहत NCDC गोजातीय विकास, दूध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, इन सारी चीज़ों पर यह ध्यान देगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली टू इंक्रीज द डेयरी कल्टिवेशन। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान जो कि मतलब अर्थ साइंसेस के लिए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना है। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह के पानी के नीचे वाहन रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के कुलीन क्लब में शामिल हो गया है। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरी पानी के भीतर के मानव युक्त वाहन रखना है। गहरे पानी से चलने वाले समर्सिबल को मत्स्या 6000 का कोड नेम दिया गया था है। इसे चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकी लगभग 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों जैसे कि पॉलीमेटैलिक मैगनीज नोड्यूल, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EPF का जो फाइनल रेट है वो फिर से कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट और कम कर दिया है। वित्त मंत्रालय 2020-21 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.5% को मंजूरी दे दी है। इसको सेम रखा है, सॉरी कम नहीं किया, पिछले साल कम किया था, उसके बाद वापस से उन्हें बढ़ाना पड़ा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा था। तो 2019-20 के लिए अपरिवर्तित रखा गया है, सेम 8.5%। पहले 8.75 था, फिर 8.8 हुआ, फिर 8.65, 8.55, 65, फिर 5 एंड 8.5 रख दिया
एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एप्पल फेस्टिवल, जो कि पहली बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट विल प्रोवाइड अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर एप्पल ग्रोवर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स विद एन एनुअल फॉर मोर देन 2 मिलियन मीट्रिक टन एप्पल फॉर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 87% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन एंड इज लिंक्ड द लिवलीहुड ऑफ अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मतलब देश के 87% सेब लगभग वहीं से आता है और 30% आबादी इस पर निर्भर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन डेविडसन की मृत्यु हो गई है। वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे हु मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1953। ऑस्ट्रेलिया को 44 बार सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लेफ्ट आर्म पेसर रहे हैं एंड हैड फिनिश्ड हिज करियर विद अ स्टनिंग एवरेज ऑफ 20.3 having picked up 186 wickets. His career best figure was 7 of 93 came against India in 1959. Davidson was a handy batsman as well, registering 5 vital half centuries in his career, including the 80 he hit in the first ever tied test match in 1960 against West Indies. In the same game, he had also picked up 11 wickets. Chali. इसके अलावा COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का स्थल क्या है? रोम, ग्लासगो, ओस्लो या फिर वाशिंगटन DC? रोम इटली में है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे। ग्लासगो UK में है और यहाँ पर ये समिट हो रही है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और वाशिंगटन DC US की राजधानी है। तो ग्लासगो UK में आपकी ये COP जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा है। COP26 PM मोदी ग्लासगो क्लाइमेट समिट में पहुँच गए हैं। ग्लासगो समिट जो है नरेंद्र मोदी अराइव्ड हुए हैं स्कॉटिश एग्जीबिशन सेंटर एट अटेंड द वर्ल्ड लीडर्स समिट फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और ये 26वीं मीटिंग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लासगो अक्टूबर 31 को पहुंचे इस क्लाइमेट समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए और इसमें 2-day UK विजिट पर रहे जिसमें वर्ल्ड लीडर्स समिट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिकुलेट इंडियाज एफर्ट इन दिस रिगार्ड। इस पर वो दुनिया को एड्रेस करेंगे कि किस तरीके से प्रयास करने हैं, इन सब चीज़ों पे एड्रेस करेंगे। वर्ल्ड लीडर समिट विस्ट COP26 का एक उच्च स्तरीय संखंड 1-2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित किया गया है। 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारें भाग लेंगी। UNFCCC के अध्यक्ष के लिए COP26 31 अक्टूबर 2021 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। ग्लासगो में UK की अध्यक्षता में इटली के साथ साझेदारी में COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक किया जा रहा है। ठीक है, तो UK की अध्यक्षता में इटली के साथ साझेदारी में ये हो रहा है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज। COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवैध रेत खनन और शराब व्यापार को रोकने के लिए मिशन क्लीन लॉन्च किया है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन में मैंने किसी के CM और गवर्नर का नाम नहीं दिया है, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो से लगातार बताते आ रहा हूं। तो आप इन चारों राज्यों के CM, गवर्नर और कैपिटल का नाम कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, पंजाब ने ये मिशन लॉन्च किया है चरणजीत सिंह चन्नी ने। 31 अक्टूबर को राज्य के सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की बैठक में मिशन क्लीन की घोषणा की है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। और अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।